देखने वाले प्यारे प्यारे लोगों हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अच्छा जी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि आप बताएं कि हेयर स्प्रे जो टेम्प्रेरी होते हैं वो बालों पर किस तरह से इफेक्ट करते हैं सो so, मैंने अपने बालों के ऊपर इस वक्त ये किया हुआ है किस तरह से मैंने किया क्या क्या मैंने यूज़ किया और क्या क्या इसके बेनिफिट्स मुझे मिले क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिले और इसके अलावा इसको कितनी देर तक आप लोग रख सकते हैं वॉश करने के बाद ये कितनी देर रहता है नहीं रहता हाथों पर आता है कपड़ों पर आता है क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं और कितने का मार्केट से मिलता है सब कुछ सभी कुछ इसी वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं और ये जो है ये रेड कलर के अंदर है ये वाला जो स्प्रे है आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा और दूसरा वाला जो ये, ये वाला जो है ये ब्राउन कलर में है सो मैंने दोनों के दोनों ही अपने बालों के ऊपर यहाँ पर अप्लाई किए हुए मैं आप लोगों को क्रीप करके दिखा देती हूँ क्योंकि क्यों क्यों यहाँ पर है दिन की थोड़ी सी रोशनी क्योंकि क्यों 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 सूरज गरूब हो रहा है उससे पहले पहले मैं आप लोगों को दिखाने चाहती थी कि ये नेचुरल लाइट में किस तरह से दिखते हैं और कितना इसके ऊपर इफेक्ट आया मैं खुद भी देखना चाहती थी और आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती थी अपना एक्सपीरियंस सो ये मैंने इसके ऊपर रेड और ब्राउन जो है वो दोनों तरह से कर लिया है एक जो मैंने थोड़े से बाल का सेक्शन उठाया उसके ऊपर रेड किया और दूसरे बालों का सेक्शन फिर से उठाया उसके ऊपर ब्राउन किया मतलब दो शेड ही मुझे लोकल मार्केट से मिले थे ऑनलाइन अगर आप लेना चाहें तो ऑनलाइन अगर आप लेना चाहें तो आप लोगों को सर्च बार में लिखना होगा अरफा की बच्ची ऑनलाइन अगर आप लेना चाहें तो सर्च बार में आप लोगों को लिखना होगा टेम्परेरी हेयर कलर स्प्रे तो आपको डिफरेंट कलर्स में बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी बाकी वीडियो में बने रहिएगा आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे अंदर भी ये बड़ा ही क्रेज़ पैदा होता था कि यार किस तरह से अपने बालों को हम लोग डाई कर सकते हैं या किस तरह से अपने बालों को दिखा सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के अंदर इसी तरह जैसे कि हम लोग अपने हाथों के ऊपर डिफरेंट नेल पेंट लगाते हैं ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है देखकर बड़ी एक्साइटमेंट होती है मतलब इस तरह के कलर्स के साथ प्ले करने में तो उसी तरह से हम अपने बालों के साथ भी प्ले करना चाहते हैं लेकिन होता क्या है कि अम्मी का जूता आता है पीछे से कमर के ऊपर और अलग पता जाता है जब वो कहती है कि सारे से सारे बाल सतिया नाश हो जाने कुे तो मतलब इस तरह की जब बातें सुनते हैं ना तो दिल थोड़ा सा डर जाता है कि हाय अब करें कि ना करें लेकिन दिल अंदर से करता जरूर है क्योंकि दिल तो बच्चा है जी तो अब हम लोगों ने क्या करना है इस अपने बच्चे वाले दिल को ना मुतमिन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं जुगाड़ लगाएंगे और देखेंगे क्या बनता है क्योंकि आज मैंने किया है अपने बालों को क्रम्प किया था और किस टूल से किया है कितनी हीट पर रख कर किया वो भी आगे चल के वीडियो में शेयर करूंगी इंट्रो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो गया है एज यूजअल और आप लोगों ने अब नीचे आकर कमेंट्स में करने लग जाना आप भी आप बोलती बहुत है सीधे मुद्दे पर आकर <laughs> मतलब क्या करूँ अब बात तो करनी होती है ना चुप रह आकर तो बताने से सही सही है या तो फिर लिख कर वीडियो लगा दिया करूँ वो लिखी हुई वीडियो भी नहीं देखनी फिर फिर तमाशे बड़े करते हो तुम तो लेकिन खैर अच्छे हैं सारे लोग अच्छा मैंने यहां पर स्कैल्प में इसको बिल्कुल भी नहीं लगा

के ऊपर उसके बाद ये ठुस हो जाते हैं और ये काम के नहीं रहते तो इसे मैंने साइड पे कर दिया इसे मैंने नहीं लिया था जो दो से ढाई सौ रूपए के लोकल से मार्केट में कलर्स अवेलेबल थे टेम्परे उन्हें मैंने परचेज कर लिया था क्योंकि काम दोनों का सेम ही होता है मैंने इस पर रिसर्च ऑलरेडी की हुई थी अब बात करते हैं जी इसकी एप्लीकेशन की तो मैंने यहाँ पर अपनी एक कजन का सहारा लिया ताकि वो मेरे प्रॉपर बालों के ऊपर इसे स्प्रे कर दे और प्रॉपर वीडियो में आपको हर एक चीज जो है वो हाईलाइट हो जाए और समझ आ जाए तो यहाँ पर मेरे बालों के ऊपर कुछ कुछ उसने कलर कर दिया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लाइट चली गई थी जिसकी वजह से मोबाइल की लाइट जलानी पड़ी तो वो वाला इफेक्ट नजर नहीं आ रहा खैर मैं आगे चल के नेचुरल लाइट में आपको दिखाती हूँ खैर से जी यहाँ पर लाइट आ चुकी है और मैंने अपने बालों के ऊपर कलर दोबारा से करवाना शुरू किया है हाफ बालों के ऊपर मैंने क्रिम्प करवा लिया था लेकिन हाफ को स्ट्रेट रखा था ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ की दोनों के दरमियान क्या फर्क होता है जब मैंने ये कलर करवाना शुरू किया तो स्ट्रेट बालों के ऊपर से ये कलर जो है वो जल्दी निकलना शुरू हो गया था हाथों के साथ ही हाथों के ऊपर ही लगना शुरू हो गया था और थोड़ा सा हाथ लगाने से ज्यादा निकल रहा था जबकि जिन बालों के ऊपर मैंने क्रिम पर करवाया था उसके ऊपर ये थोड़ा सा होल्ड कर रहा था कलर यानी कि स्टे कर रहा था बालों की सेक्शनिंग करके सबसे पहले मैंने रेड वाला अप्लाई किया उसके बाद मैंने तो मैं हार्श नहीं, सकते है, इसकी उतनी ज्यादा नहीं है, जितनी हम है मतलब चार छह माह तक रहता है हमारे बालों के उसके फ्रेग्रेंस होती है बदबू होती है जीप सी होती है मतलब आपको ऐसे लगता है जैसे कि सांस बंद हो रहा हो लेकिन इनकी जो टेम्प्रेरी है इनकी इतनी ज्यादा नहीं थी जिस तरह से खुद टेम्प्रेरी है उसी तरह से इनकी फ्रेग्रेंस भी टेम्परेरी थी दो मिनट तक आती रही है उसके बाद वो हो गई थी अच्छा ये वाला कलर पांच मिनट तक गीला रहता है है उसके बाद ये जो है ना ड्राई हो जाता है और आपके कपड़ों पे, या हाथों पे नहीं लगता पर जी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा कलर मेरे कम्प्लीट बालों के ऊपर शुरू से लेकर एंड तक हो चुका हुआ है और आप लोगों ने इन बालों को ज़्यादा कॉम नहीं करना हाथ नहीं लगाना ताकि ये निकल ना जाए और जब तक आप अपने बालों को वॉश नहीं करेंगे ना तो ये तब तक आपके बालों पर स्टे करेगा तकरीबन चार से छह घंटे तक तो आपके बालों पर अच्छे तरीके से दिखता रहेगा हाईलाइट होता रहेगा उसके बाद जो है वो मद्दम हो जाएगा और आप लोगों ने इसे वॉश कर लेना होगा और इस दौरान चार से छह घंटे के अंदर हम किसी भी फंक्शन वगैरह को या किसी भी पार्टी वगैरह को आराम से अटेंड कर सकते हैं अच्छा भी यहाँ पर मेरी बहुत सारी बहनों ये पूछ सकती हैं कि आपने बालों को क्रिम करवाने के लिए कौन सा टूल यूज किया था तो उसके ऊपर लिखा होता है सलोन मैजिक के नाम से ये टूल था जिसको वन हीट पर रखकर मैंने अपने बालों को क्रिम करवाया था ठीक है जी और दूसरी बात ये थी कि अगर आप अपने बालों पर इसको ज्यादा देर तक के लिए स्टे करवाना चाहते हैं कलर को तो आपको इसको क्रिम करना होगा या फिर इसको कर्ल करना होगा अपने बालों को कर्ल कर लेंगे या क्रिम कर लेंगे तो ये ज्यादा देर तक आपके बालों पर स्टे करेगा जिसकी वजह से ये ज्यादा खूबसूरत भी देखेगा और एनहेंस भी होगा जैसे कि यहाँ पर आप लोग वीडियो में देख रहे हैं सो जिन मेरी बहनों को डर लगता है कि हम अपने बालों को डाई भी करवाना चाहते हैं लेकिन हमारा बाल खराब ना हो जाए इस डर से वो करवाती नहीं है सो so, ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप टेम्परेरी हेयर कलर जो स्प्रे मिलते हैं मार्केट से उन्हें यूज किया जा सकता है और अपने शौक को पूरा किया जा सकता है क्योंकि ये आपके बालों को डैमेज नहीं करता हाँ डेली बेसिस पर इसको यूज नहीं किया जा सकता कभी कभार जब हमने किसी फंक्शन या पार्टी या ईद वगैरह पर अपने बालों को डाई करना हो तो इसको किया जा सकता है दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा लैक मुझे फील हुआ है स्प्रे के अंदर वो ये था कि गर्मी के सीजन में जैसे कि आजकल गर्मी पड़ रही है तो उसके अंदर अगर आप अपने बालों के ऊपर इसको अप्लाई कर लेंगे ना तो ये पसीने के साथ बहने लगेगा और आपके के कपड़ों पर आ सकता है या आपकी फेस और गर्दन कानों वगैरह पर कलर लग सकता है लेकिन अगर आप एसी वगैरह में बैठे हैं किसी फंक्शन पर गए हैं और किचन में काम शाम नहीं कर रहे तो तब इसे यूज किया जा सकता है इतना भी बुरा नहीं है दूसरी बात यह है कि हर बंदे की पहुंच में डेढ़ से दो सौ के अंदर अगर आपको यह स्प्रे बॉटल मिल जाती है एक से दो दफा आपके बालों पर अप्लाई हो जाती है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है और तीसरा यह की गोल्डन कलर ही चूज कीजिए वो ज्यादा हाईलाइट और प्रोमिनेंट होगा जबकि ये ब्राउन कलर और रेड कलर इतने ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहे और अच्छा आप लोगों को ये बात एक और बड़ी मजे की बात जो है वो ये बताती चलूँ की आप लोगों ने अपने बालों को ज्यादा हाथ नहीं लगाना अगर बार बार हाथ लगाएंगे या गीला हाथ लगाएंगे तो आपके हाथों के ऊपर कुछ इस तरह का कलर आ सकता है ठीक हो गया मेरे हाथ इस वक्त गीले थे तो मैंने आप लोगों को गीले करके दिखाने की कोशिश की है कि बार बार अगर हाथ लगाएंगे तो कलर टेम्परेरी है उतर जाएगा दूसरी बात यह है कि अगर आप बार बार कॉम करेंगे तो ये कलर टेम्परेरी है उतर जाएगा तीसरे नंबर पर अगर बार बार कॉम करते चले जाएंगे तो आपके बाल जाहिर सी बातें स्प्रे होने की वजह से थोड़े से अकड़ चुके हैं तो आपका बाल टूटने का भी खतरा बरकरार है तो ये तीन चीज़ें थी जो आप लोगों ने याद रखनी है चौथी चीज़ ये थी कि जब भी आपने ये वाला स्प्रे अप्लाई करना है अपने बालों के पर तो आपके पूरा फुल एप्रल पहना होना चाहिए अगर नहीं पहना होगा तो आपके कलर कपड़ों पर आ जाएगा गर्दन पर आ जाएगा या कान वगैरह पर आ जाएगा तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने खास ख्याल रखना है इसको बड़े ध्यान से बड़ा केयरफुली करना है इसके लिए मैंने जो था वो अपनी एक कज़न का सहारा लिया था कि वो कर दें ताकि मेरे कपड़े बच जाए मेरा फेस बच जाए और ये मतलब ये कलर तो फौरी उतर जाता है टिश्यू के साथ आप इसे थोड़ा सा हल्का सा गीला करके करेंगी तो उतर जाएगा कोई इशू नहीं है कोई ख़तरे वाली बात भी नहीं है कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है लेकिन क्योंकि वो कलर फैल जाता है तो अजीब सा लगता है तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है अच्छा अगर इस कलर में ब्राउन कलर के अलावा अगर मुझे गोल्डन कलर में मिला होता तो वो ज़्यादा हाईलाइट होना था वो ज़्यादा प्रोमिनंट होना था तो आप अगर चाहते हैं कि इस तरह का टम्प्रेरी कलर करना चाहते हैं वैसे तो बड़े बड़े सारे कलर पड़े हैं ब्लू पड़ा है येलो पड़ा है ग्रीन पड़ा है पर्पल पड़ा है रेड पड़ा है फंकी कलर्स बहुत सारे डिफरेंट पड़े हैं लेकिन अगर आप गोल्डन जो होता है ना कलर वो करेंगे ना तो वो ज़्यादा हाईलाइट में आएगा सही है नीचे ज़्यादा आ चुके हैं इस वक्त और मैं जो हूँ वो ऊपर खपका हूँ और अरफ़ा जो है वो पानी डाल दिए पौधों के अंदर ये देखें <laughs> क्या कर रही अरफा पा? पानी डाल रही हूँ अच्छा जी और मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही हूँ छत पे आके क्योंकि थोड़ी सी रोशनी थी तो मैंने उसका सहारा लेते हुए सोचा कि फटाफट वीडियो शूट हो जानी चाहिए और मैंने जो आज शर्ट पहनी हुई वो है जी यूट्यूब की क्योंकि मैं यूट्यूब पे काम करने के लिए दोबारा से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ आ चुकी हूँ खैर जी अभी आप लोग देख सकते हो ये कलर आया है मेरे बालों के ऊपर आप इसके अंदर कर्ज करके भी अपने बालों के ऊपर कलर ला सकते हो और अपना शौक पूरा कर सकते हो किसी भी पार्टी में किसी भी शादी ब्याह में या ईद वगैरह पर किसी भी फंक्शन में किसी की बर्थडे पर किसी की फ्रेंड के घर किसी मतलब किसी फ्रेंड की तरफ जाते वाते आप इस तरह का कुछ कर सकते हो और मदा कर सकते हो जब आप इसे वॉश करेंगे तो ये कलर उतर जाएगा आई होप कि आज की वीडियो आप सब लोगों को यूज़फुल लगी होगी अगर ऐसा हो क्योंकि मैंने इसको बड़ा जल्दी जल्दी से भागते भागते जो भी इफॉर्मेशन मेरे पास थी और जो भी नॉलेज मुझे मिला था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया और हाँ एक काम की बात ये बताना भूल गई आप लोगों को कि अगर आप लोगों इसे लगाकर गर्मी वर्मी में बैठ गए ना और गर्मी का सीज़न है तो फिर इसने पिघल जाना है मतलब पानी बालों के अंदर पसीना आएगा तो ये कलर भी जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा और आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं और ख़ास तौर पर इस तरह के वाइट कलर के कपड़ों पे तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है जैसे कि मेरे हाथों पर आ चुका है सो so, आप लोगों ने इन सारी चीज़ों से अवॉइड करना है बाकी आप लोगों ने अवॉइड जिस चीज़ से नहीं करना वो है जी मेरा चैनल आप लोगों ने मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अगर आप आ गए हैं आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रा जल्दी से लाइक कर दो और लगते हाथ शेयर भी कर दो ताकि दूसरों का भी भला हो जाए और इस टम्प्रेरी कलर से फ़ायदा उठाओ और इसे वॉश कर लेंगे तो ये उतर जाएगा बाल भी डैमेज नहीं होंगे और रीज़नेबल है आई थिंक 200 से 250 के अंदर तो रीज़नेबल है ठीक है और क्योंकि ये दो से तीन मरतबा ही होगा मैं सीधी साफ बात बताऊँ ये सिर्फ दो या तीन मरतबा आपके मीडियम लेंथ अगर बाल है ना तो उसके ऊपर अप्लाई होगा अगर उससे ज़्यादा लंबे बाल हैं ना तो सिर्फ एक दफ़ा भी अप्लाई होने के बाद ये ठूस हो सकता है ख़त्म हो सकता है क्योंकि ये मैंने इसको एक दफ़ा अप्लाई कर लिया आई थिंक ये एक या दो दफ़ा और अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद ठूस हो जाएगा